नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सबका इंडिया टू डिफेंस पे। मैं हाजिर हूँ डिफेंस डिस्कशन के एपिसोड 21 के साथ। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हमारे प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे व्यूअर्स ने ये रिकमेंड किया था कि हम चाइनीज रडार KJL-7A का कंपेरिजन इंडिया के इंडिजिनस उत्तम ईसा रडार से करें। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम चाइनीज KJL-7A को उत्तम ईसा रडार से कंपेयर करने वाले हैं और जानेंगे कि किसी भी ऐसा रडार में कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं और उत्तम रडार की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं DRDO की तरफ से। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि हम ऐसा वीडियो लेके आते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, इस मॉडर्न वॉरफेयर में एयर सुपीरियरिटी पाने के लिए किसी भी एयरफोर्स को ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो दुश्मन के द्वारा पकड़े जाने से पहले दुश्मन के एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर ले, और जिसके लिए किसी भी एयरक्राफ्ट का रडार काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस मॉडर्न वॉरफेयर गेम में एक रडार है जो कि आजकल सभी कंट्री अपने एयरक्राफ्ट में देखना चाहती हैं, और वो रडार है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे, ऐसा रडार। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसा रडार को नज़दीक से जानेंगे कि ये रडार कैसे काम करता है। और इस रडार में कोई भी मैकेनिकली मूविंग पार्ट्स नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो मुख्य कंपोनेंट है वो होते हैं सिग्नल जनरेटर, पावर स्प्लिटर, ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल, स्विच मैट्रिक्स जो कि डिले क्रिएट करता है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये इसके चार मुख्य कंपोनेंट हैं, जिसमें सिग्नल जनरेटर क्या करता है, XL या फिर जिस बैंड की एनर्जी जनरेट करनी होगी उस बैंड की एनर्जी जनरेट करता है, फिर वो एनर्जी जाती है पावर स्प्लिटर के पास, और पावर स्प्लिटर क्या करता है उस एनर्जी को दो इक्वल भागों में बांट देता है जो कि दो डायरेक्शन में चली जाती हैं, दो पाथ पे। उसमें से पहला पाथ एक TR मॉड्यूल के पास जाता है और दूसरा पाथ दूसरे TR मॉड्यूल के पास, और दूसरे पाथ में एक स्विच मैट्रिक्स गिवन होता है जिसके थ्रू इस पाथ पे आ रहे जो वेवलेंथ है उनके टाइम को कंट्रोल किया जाता है, उनको डिले करके भेजा जाता है, जिसकी वजह से जब ये दोनों वेव्स अपने अपने ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल पे पहुंचती हैं तो जो पहले वाले ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल के पास जो वेव पहुंचती है वो जल्दी पहुंचती है, और दूसरे वाले के पास जो पहुंचती है वो डिले होकर पहुंचती है। और इस जल्दी और डिले होकर पहुंचने की वजह से ये वेव्स अपना डायरेक्शन तय कर पाते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आप वाटर में दो ड्रॉपलेट डालते हो, एक ड्रॉपलेट जल्दी डालोगे और एक ड्रॉपलेट थोड़ा लेट डालोगे, तो जो ड्रॉपलेट जल्दी गिरता है तो वो कुछ रिपल्स क्रिएट करेगा अपना ही, और वहीं पर जब दूसरा ड्रॉपलेट गिरता है तो उसका भी रिपल्स क्रिएट होगा, और ये दोनों रिपल्स जो ड्रॉपलेट बाद में गिरा होगा उसके रिपल्स में ज़्यादा एनर्जी होगी जो पहले गिरा होगा उससे, और जिसकी वजह से जो लेट ड्रॉपलेट गिरा है वो पहले गिरे हुए ड्रॉपलेट के रिपल्स को पुश करेगा एक दूसरे डायरेक्शन में, और उनकी जो कंबाइंड रिपल है वो किसी दूसरे डायरेक्शन में चल पड़ेगी। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी जो वेवलेंथ डिले होके आ रही है वो दूसरे वेवलेंथ को पुश करेगी दूसरे डायरेक्शन में, और इस तरह से यहाँ पे वेव का डायरेक्शन तय किया जाता है। तो बेसिकली किसी भी वेव के डायरेक्शन चेंज करने के दो मुख्य तरीके हैं, एक तो इनिशियल फेज को चेंज करके जैसा कि हमने अभी किया जिसमें डिले करने के बाद फेज चेंज हो जाता है, और दूसरा जो मुख्य है वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज कर देना, मतलब एक सर्टेन डायरेक्शन में वेव को मोटा कर देना जिसकी वजह से वो एक मैक्सिमम एरिया कवर कर पाएगा। तो ये दो मुख्य तरीके हैं जिनकी वजह से वेव की डायरेक्शन तय की जाती है। तो इस फेज्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर एरे रडार में बहुत सारे TR मॉड्यूल्स लगे होते हैं जो कि कंबाइंड मिलके एक एक्टिव एंटीना एरे यूनिट बनाते हैं। तो आइए जानते हैं इस चीज़ को। जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे जो इसमें ब्लैक बॉक्स दिए गए हैं ये सारे TR मॉड्यूल है, और ये कंबाइंड मिलके जो ये पूरा गोल्ड कलर का सिस्टम बनाया हुआ है ये एक क्वाड TRM है, मतलब चार ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल का एक स्ट्रक्चर। तो ये एक QTRM है, और इन QTRM को एक प्लैंक में एडप्ट किया जाता है, और उस प्लैंक में आपके रडार के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने QTRM डालना चाहते हो। तो मैं आपको बता दूं, उत्तम ईसा रडार में एक प्लैंक में चार QTRM दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें चार जगह खाली है, और इस प्लैंक को एक एंटीना स्ट्रक्चर में इंस्टॉल कर दिया जाता है जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, और वो एंटीना स्ट्रक्चर फर्दर वेव्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं एक सर्टेन डायरेक्शन में। मैं आपको बता दूं, इसका जो एक QTRM मॉड्यूल है वो किसी भी वेव को तकरीबन 5.625 एंगल तक डिफ्लेक्ट करने में सक्षम है। सो अगर एक TR मॉड्यूल वेव को 5.625 एंगल डिफ्लेक्ट करने में सक्षम है तो एक प्लैंक में दिए गए हैं चार QTRM और एक QTRM में चार TRM है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 5.625 को 16 से, जो कि एक प्लैंक फॉर्म करता है, तो ये एंगल बनाएगा 90 डिग्री का एंगल, जिसका मतलब ये है कि एक प्लैंक किसी वेव को 90 डिग्री तक स्वीप करने में सक्षम होगा। तो टेक्निकली कोई भी रडार जो एक स्वीप एंगल क्रिएट कर सकती है वो 120 डिग्री का क्रिएट कर सकती है, उससे ज़्यादा अभी तक कोई भी रडार नहीं कर रहा है, कोई भी ईसा रडार।
अब बात कर लेते हैं उत्तम ईसा रडार की। तो उत्तम ईसा रडार इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन सपोर्ट मेजर दिए गए हैं इसमें। तो उत्तम में दिया गया है सी बैंड लाइन ऑफ साइट, और वहीं पे एक बड़ी रेंज के लिए केयू बैंड सैटकॉम कम्युनिकेशन डेटा लिंक दिया गया है, जिसकी वजह से इसका जो कम्युनिकेशन होगा अदर एयरक्राफ्ट और अवैक्स सिस्टम से वो काफ़ी सेफ होगा। अब बात कर लेते हैं उत्तम में दिए गए मोड्स की। तो उत्तम में सरफेस सर्विलेंस और एयर सर्विलेंस दोनों मोड दिए गए हैं। ये एक ही टाइम में दोनों जगह को स्कैन कर पाएगा और इसके सेंसर स्कैन करते हुए सर्च करने में सक्षम होंगे अपने टारगेट्स को। इसमें दी गई है प्रायोरिटी ट्रैकिंग और हाई परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, जिसके अंतर्गत पायलट किसी भी टारगेट को प्रायोरिटाइज कर सकता है, और इस प्रायोरिटी ट्रैकिंग की वजह से रडार को फुल ट्रैक मोड में लाया जा सकता है। वहीं पे हाई परफॉर्मेंस ट्रैकिंग में रडार की एक्यूरेसी को बढ़ाया जाता है, किसी भी वेवलेंथ को और पावर देके उसकी सेंसिटिविटी बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और ये चीज़ चाइनीज KGL-7A में नहीं है। तो अभी जब हम उत्तम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो जो चीज़ें चाइनीज KGL-7 में नहीं होंगी तो उसे हम यहीं पर बता देंगे। तो जैसा कि हाई परफॉर्मेंस ट्रैकिंग है जिसके लिए उत्तम यूज़ करता है एक्टिव अपर्चर टेक्नोलॉजी, जो कि सिग्नल जनरेटर की पावर को बढ़ाता है और एक स्ट्रॉन्ग बीम प्रोड्यूस करता है अपने एक्टिव अपर्चर टेक्नोलॉजी से, तो वो सिस्टम चाइनीज KGL-7A में नहीं है। और ना ही चाइनीज KGL-7A कोई भी KU बैंड का यूज़ करता है कम्युनिकेशन के लिए। और जो चाइनीज KGL-7A में है, जो कि उत्तम ईसा में भी है, वो है क्वाड TRM टेक्नोलॉजी, मतलब एक प्लेट में 4 TRM, और वैसा ही KGL-7 में भी लगाया गया है। आपको बता दूं, एयर इंडिया शो के दौरान जो शोकेस किया गया था 2015 में उत्तम ईसा रडार, उसमें तकरीबन 184 QTRM मॉड्यूल दिए गए थे, जो कि तकरीबन 736 TRM मॉड्यूल थे। और जहां तक KGL-7 में TR मॉड्यूल की बात है, तो उसमें अभी चीनियों ने कोई एग्जैक्ट नंबर रिलीज नहीं किया है, 700 से लेकर 900 के बीच में इसमें TR मॉड्यूल होगा। बात कर लेते कूलेंट की, तो उत्तम ईसा रडार यूज करने जा रहा है लिक्विड कूलेंट सर्कुलेशन सिस्टम का, जो कि KGL-7A भी यूज करेगा, लेकिन चाइनीज KGL-7 उसमें एयर कूलिंग है, लिक्विड कूलिंग नहीं है। उत्तम ईसा रडार जब स्कैन करता है तो इसके जो मेन लोब्स होते हैं वो किसी टारगेट को एक लॉन्गर डिस्टेंस में जब ट्रैक कर रहे होंगे तो जो इसके साइड लोब्स होंगे वो छोटे रेंज के टारगेट्स को और ग्राउंड के टारगेट्स पे नजर बनाए रखेंगे, और ऐसा चाइनीज KGL-7A में नहीं है। आपको बता दूं, उत्तम ईसा रडार में TR मॉड्यूल्स बढ़ाए भी जा सकते हैं अगर एंटीना का साइज बड़ा होगा तो इस रडार को स्केल अप और स्केल डाउन भी किया जा सकता है, इसके एंटीना के साइज पर डिपेंड करेगा वो। अब उत्तम ईसा रडार को कंपेयर कर लेते हैं चाइनीज KGL-7A से और जो IAF के पास आ रहा है RBE-2, जो कि थैलिस कंपनी का रडार है। तो उत्तम ईसा रडार में दिए गए हैं 750+ TR मॉड्यूल, वहीं पे चाइनीज KGL-7A में दिया गया है 700 से लेकर 900 के बीच में TR मॉड्यूल, जो कि अभी उन्होंने कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया है। और वहीं पे थैलिस द्वारा निर्मित RBE-2 में तकरीबन 838 TR मॉड्यूल है। अब बात कर लेते हैं डिटेक्शन की, तो उत्तम ईसा रडार एक बार में 100 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, उसमें से 20 को ट्रैक कर सकता है और 6 को इंगेज करने में सक्षम होगा। लोग वहीं पे RBE-2 कितना डिटेक्ट कर सकता है ये कोई अभी स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन 100 से लेके 125 तक ये भी डिटेक्ट कर सकता है और 40 को ट्रैक करने में सक्षम होगा और उनमें से 8 को इंगेज करके मार गिराने में सक्षम होगा। बात करते हैं KGL-7A की, तो KGL-7A 100+ को डिटेक्ट कर लेगा और तकरीबन 20 को ट्रैक करने में सक्षम है और उनमें से 4 को इंगेज करने में सक्षम होगा KGL-7A। बात कर लेते हैं रेंज की, तो उत्तम ईसा रडार की रेंज किसी भी 2 मीटर स्क्वायर वाले ऑब्जेक्ट के लिए 150 से लेके 160 किलोमीटर के बीच में है। वहीं पे KGL-7A की रेंज एक 5 मीटर स्क्वायर वाले ऑब्जेक्ट के लिए 170 किलोमीटर है, और वहीं पे RBE-2 की रेंज एक 3 मीटर स्क्वायर वाले ऑब्जेक्ट के लिए 170 किलोमीटर है। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम रेंज की, तो मैक्सिमम रेंज RBE-2 का 230 से लेके 260 किलोमीटर के बीच है। वहीं पे उत्तम ईसा रडार का मैक्सिमम रेंज 200 से लेके 210 किलोमीटर के बीच है और KGL-7 का 200 से लेके 250 किलोमीटर के बीच में है। तो ये तो रही रेंज की बात। अब बात कर लेते हैं उत्तम में आ रही प्रॉब्लम्स और कौन कौन से प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन पा लिया गया है। तो उत्तर में बेसिकली 3 तरह की प्रॉब्लम आ रही थी। पहली प्रॉब्लम थी इसके इनएडिक्वेट पावर सप्लाई को लेके, और इनएडिक्वेट पावर सप्लाई होने की वजह से इसकी जो रेंज है वो बढ़ाई नहीं जा पा रही थी, और अब इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व कर लिया गया है और इसकी रेंज 160 किलोमीटर तक कर दी गई है किसी भी 2 मीटर स्क्वायर वाले ऑब्जेक्ट के लिए। और जहाँ तक ऐसी उम्मीद है कि इन फ्यूचर इस पे और भी काम किया जाएगा, इसकी रेंज और बढ़ाई जाएगी। अगर इसको एडिक्वेट पावर सप्लाई मिलता है तो जो वेवलेंथ जनरेटर है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ा दी जाएगी, जिसकी वजह से सिचुएशनल अवेयरनेस आ जाएगी पायलट के पास। इसकी दूसरी प्रॉब्लम थी रिडंडेंसी। तो जी हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत जो भी TR मॉड्यूल होते हैं उसके एक TR मॉड्यूल के खराब हो जाने से क्या सभी TR मॉड्यूल रुक जाएंगे, इसकी कोई सियोरिटी नहीं थी, और ये भी एक रीजन बना उत्तम को DS Mark 1 पे डिप्लॉय ना करने का, और बाद में इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया गया। और इसकी तीसरी प्रॉब्लम थी इसका वेट। तो जी हाँ दोस्तों, इसका वेट 120 किलोग्राम के आसपास है, जो कि एक लाइट वेट कैटेगरी के फाइटर के लिहाज से ज़्यादा था,
और ये भी एक रीजन बना 23 Mk 1 पे ना होने का। अब जबकि इसके वेट पे काम किया गया है तो अप्रैल से 23 Mk 1 पे इसकी टेस्टिंग की जानी है। तो अब बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस के लिहाज से देखें तो इसकी प्राइस कहीं ना कहीं चाइनीज KJL7A के बराबर ही होने वाली है। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट की, तो अभी उत्तम मिशन रडार के फ्यूचर डेवलपमेंट को लेकर काफी उम्मीदें हैं LRDE को, जो कि DRDO के ही एक लैब है। और DRDO के चीफ ने ऐसा बताया था कि हम इंडिया के एमका के लिए एक अलग ही रडार डेवलप कर रहे हैं जिसमें 1500 से ज्यादा TR मॉड्यूल्स होंगे और वो 360 डिग्री कवरेज करने में सक्षम होगा। तो जी हाँ दोस्तों, 360 डिग्री कवरेज अभी पूरी दुनिया में कोई नहीं दे रहा है। F-22 का रडार APG-77 या फिर F-35 का रडार APG-81, ये दोनों 120 डिग्री के आसपास ही अभी कवरेज दे रहे हैं, लेकिन LRDE के चीफ का मानना है कि वो 360 डिग्री कवरेज देने वाला रडार डेवलप कर रहे हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। सो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन इंडिया के फाइटर जेट रडार के साथ चाइनीज रडार KJL-7A का। अगर वीडियो अच्छी लगी गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।